Hello students, I am engineer Nikhil Mishra and I am present in front of you to make your journey of physics easy in need. As you know that recently our country has been struck and is under the shadows of coronavirus. So our, uh, most of, because of the government orders, we are limited not to take the offline classes and primarily as uh, you all know, that the trend is switching to online classes because of its convenience, you save a lot of time. So, we have introduced our online classes to make your journey easy and your preparation easy. And through this, you are going to beat the fear of Corona as well as the fear of need together. And be assured that if you stay with me throughout this course, you are going to be benefited a lot and your journey.

कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ें मिस कर जाते हैं जो ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वही मिस कर जाते हैं और वही चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं और फिर हमारे नंबर नहीं आते बावजूद इसके कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं हमारे नंबर नहीं आते नंबर वही छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके आ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे कहीं ना कहीं उसी में डिफिकल्टी भी फेस करते हैं तो ओवर हियर वॉट वी आर गोइंग टू डू we are going to discuss only the important and difficult topics which are very much conceptual okay from each chapter which is going to boost your marks in the neat examination our purpose over here is not to teach you a rocket science our purpose over here is to get you selected through neat very easily which will be fulfilled if you stay with me throughout the one month almost one month course that we are initiating from over here okay सो लाइक यू कैन सी ओवर हियर ऑन द बोर्ड इट इज रिटर्न टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन अब यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर साल लगभग एक से दो क्वेश्चन आते हैं मतलब जो एक क्वेश्चन होगा या तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से होगा या तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले बाय डायमेंशनल एनालिसिस से होगा

Uh, the derivation of formulae or the interrelation in between different physical quantities by dimensional analysis. Okay, सबसे पहले इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें जो डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के सामने क्योंकि बच्चे काफी हद तक आगे बढ़ जाते हैं फिजिक्स में और उनको छोटी छोटी बातें पता नहीं होती है फिजिक्स के बारे में ठीक है तो पहली बात कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएंगे ठीक है ना वैसे तो फिजिक्स इज वॉट फिजिक्स इज मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन देन एक्सप्लेनिंग योर ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जैसे मार्कर को अगर मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ तो मार्कर नीचे आ रहा है तो so, ऑब्जर्वेशन ये आप भी कीजिएगा ऑब्जर्वेशन ये कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट करेगा ऑब्जर्वेशन कोई ठेले वाला है वो भी करेगा ऑब्जर्वेशन पर इसको एक्सप्लेन केवल एक फिजिक्स का स्टूडेंट कर सकता है कि इस मार्कर और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा है जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर जहां पे एम मास का अर्थ का मास है एम टू जो है वो मार्कर का मास है एंड इज द डिस्टेंस इन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मार्कर ठीक है तो ऐसे हम लोग हालांकि मार्कर पे डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते जीएम टू अपन आर एक्टर क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी है अर्थ के तो क्योंकि स्पेरिकल है तो उसका मास हम सेंटर पे मान सकते हैं बट ठीक है, है चलिए एक पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बट ये फिजिक्स का स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है कि मार्कर नीचे क्यों आ रहा था ओके सो दिस इज वन पॉइंट पर ये जो एक्सप्लेनेशन है इस एक्सप्लेनेशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना होता है जनरली फिजिक्स के अंदर कि आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले बोला जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो एक फोर्स एफ अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो तो इफ यू आर अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड इट्स एक्सेलरेशन इज से ए वन अब अगर आपने मास को बढ़ा करके और सेम फोर्स अगर अप्लाई किया और अब एक्सेलरेशन ए टू है तो ए टू विल बी लेस देन ए वन ये एक फिजिक्स का स्टूडेंट इस बात को एक्सप्लेन कर, कर सकता है ऑब्जर्व सभी करेंगे बट फिजिक्स का स्टूडेंट इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है ठीक है ना क्यों क्योंकि उसको एक रिलेशन पता है एफ इक्वल टू एम ए वो एफ इक्वल टू एम ए डिराइव भी कर सकता है ठीक है तो मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकली इज वॉट इज फिजिक्स तो बेसिकली फिजिक्स क्या होती है फिजिक्स तो फिजिक्स इज मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर वन और इसका पॉइंट नंबर टू होता है एक्सप्लेनिंग observation मैथमेटिकली एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकली अब इस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए जो हम लोग सेट ऑफ रूल्स लिखते हैं ठीक है, है ना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक रूल लिखा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए वल टू डी पी बाई डी टी अगर आपने कोई रूल लिखा f इज इक्वल टू डी पी बाय ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी जहां प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट वन हो जाता है तो f इक्वल टू डी पी बाई डीटी अगर आपने एक रूल लिखा है ठीक है ये जो रूल है f इक्वल टू डी पी बाई डीटी ये हमारी एक मैथमेटिकल लॉ है दिस इज आवर मैथमेटिकल इक्वेशन ठीक है इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग फिजिकल लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ़ फिजिक्स और फिजिकल लॉ ठीक है तो एफ इज इक्वल टू डी पी बा इज अ फिजिकल लॉ ऐसी f ma को आप बोल सकते हो या फिर एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इज अ फिजिकल लॉ एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल फॉर्मूले हमारे पास आएंगे उसको हम लोग फिजिकल लॉज बोलते हैं फिजिकल लॉज का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है अब फिजिकल लॉ इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू इन ऑल इनस्टांसिस अगर उसका कोई एक्सेप्शन पाया गया जाता है तो उसको लॉ नहीं बोला जाता है फिर जैसे कि हमारे पास फिजिक्स में एक लॉ है ओम्स लॉ पर क्वेश्चन यह भी आता है वाई इज ओम्स लॉ नॉट अ लॉ उसका रीजन ये कि ओम्स लॉ जो है केवल एक स्पेसिफिक कंडीशन में काम करता है केवल कंडक्टर्स के लिए वो भी लो टेम्परेचर रेंज पे अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ओम्स लो अपने ट्रू फॉर्म में काम नहीं करता तो हम बोलते ओम्स लॉ इज नॉट अ लॉ तो फिजिक्स को एक्सेप्शनल साइंस नहीं फिजिक्स में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं तो इसीलिए इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले होंगे जिसको हम फिजिकल लॉ बोलेंगे उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा तो ह्यूमन काइंड जो है हमेशा से ही कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करता आ रहा है यूनिवर्स को लेकर के उसके आसपास जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर के ह्यूमन काइंड ऑब्जर्वेशन करता आ रहा है उस ऑब्जर्वेशन को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है मैथमेटिकली और उस ऑब्जर्वेशन को वैसे भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब वो कोई रूल बनाता है तो उसी रूल को हम लोग बोलते हैं फिजिकल लॉ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि आप मानिए कि आप आपको चेस खेलना नहीं आता है और दो लोग बैठ करके चेस खेल रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि पहली बार में जब एक प्लेयर है उसने जो पॉन होता है प्यादा उसको पहली बार में उसने दो कदम आगे बढ़ाया तो आप ये लॉ लिख सकते हो उसको देख करके कि प्यादा दो कदम चलता है पर जब वो दूसरी बार उस प्यादे को आगे बढ़ाएगा उसी प्यादे को तो वो एक ही स्टेप आगे बढ़ाता है दूसरी बार में दो स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकता है पहली बार में दो स्टेप आगे तक रख सकता है पर दूसरी बार में दो स्टेप ही आगे रखेगा तो आपने जो पहले लॉ लिखा था प्यादे के चाल को लेकर के कि प्यादा दो कदम चलता है ना अब वो गलत हो गया है तो अब आप अपने लॉ को सुधारोगे और लॉ को सुधार करके क्या लिखोगे कि प्यादा पहली बार में दो कदम चलता है दूसरी बार में एक कदम चलता है लेकिन जब उसको किसी भी दूसरे को कट करना होगा तो डायग्नली कट करेगा तो फिर से अब अपने लॉ को आप फिर से सुधारोगे और प्यादे के बारे में पूरा लॉ लिखोगे कि प्यादा पहली बार में दो कदम चल सकता है दूसरी बार से केवल एक कदम चलेगा और किसी को काटना है तो टेढ़ा ही काट सकता है वो सीधा नहीं काट सकता है तो आपने बैठ करके काफी देर तक ऑब्जर्वेशन किया और फिर अपने एक्सपीरियंस से प्यादे के चाल के बारे में एक लॉ लिखा ह्यूमन काइंड में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर को और लॉज लिखे जा रहे हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो पहले से एक्सपेक्टेड लॉज थे वो गलत साबित हो जाते हैं तो फिर हम उसको सुधार करके और उसको इम्प्रूव करते हैं सो दिस इज फिजिक्स फिजिक्स इज कंटिन्यूसली मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन एंड देन एक्सप्लेनिंग योर ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकली अब देखिए एक्सप्लेनेशन जब आप मैथमेटिकल करते हो तो उसमें कुछ क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती जैसे है जैसे यहाँ पे एफ इन्वॉल्व है P इन्वॉल्व है T इन्वॉल्व है तो ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज ओके सो जो F हो गया P हो गया T हो गया दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज तो F, P, T और ऐसे और भी लॉज में जो भी हमारे पास M हो गया V हो गई सो दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज तो इनफैक्ट फिजिक्स के अंदर हम लोग करते क्या है कि जब भी कोई लॉ लिखते हैं तो लॉ लिखते वक्त लॉ इज वॉट इट इज द इंटर रिलेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिक्स में लॉ इज नथिंग बट इट इज एन निलेशन इन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज तो बेसिकली फिजिक्स को अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर इंटर रिलेशन फिजिक्स जो होती है इट इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर

डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे कि हम लोग स्पीड स्पीड को मेजर कर सकते हैं टाइम टाइम को मेजर कर सकते हैं तो स्पीड टाइम मास दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज एनीथिंग दैट कैन भी मेजर कुछ ऐसी चीजें होती जो मेजर नहीं हो सकती हैं दे आर नॉट फिजिकल क्वान्टिटीज जैसे कि हम बात करें कि मेरा आपके प्रति कितना लगाव है तो लगाव को मेजर नहीं किया जाता हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के लगाव को मेजर कर पाएं कि इसका दो के जी लगाओ है उसके साथ इसका तीन के जी लगाओ है इसके साथ ठीक है तो वैसा मेजर नहीं कर सकते हैं चीजों को तो क्योंकि लगाव को मेजर नहीं कर सकते हैं प्यार को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये चीजें फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू ओके सो so, फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड अब फिजिक्स की स्टडी करते वक्त जो इनिशियल थिंकर्स थे न्यूटन वाज़ अ ग्रेट थिंकर या उससे पहले भी जो थिंकर्स थे और उनके बाद भी जो थिंकर्स आए उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई वो समस्या ये थी कि फिजिकल क्वांटिटीज इतनी सारी थी कि उनके बारे में डायरेक्टली इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी कि उनके बारे में हम लोग डायरेक्टली हर एक की इंडिपेंडेंट स्टडी अगर करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में हमारे पास क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ वर्ड्स है और डेली नए वर्ड्स उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर जैसे अगर मैं बात करूँ आज से दस साल पहले किसी को नहीं पता था सेल्फी क्या होता है मीम क्या होता है ये सारी चीज़ें बट नए वर्ड्स आ गए सेल्फी ग्रूफी मीम तो डेली उसमें नए नय नए शब्द बन रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश के जितने भी शब्द बन रहे हैं वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो उन्हीं अल्फाबेट से मिलकर के बन रहे ए टू जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं अल्फाबेट से, से मिलकर के सारे शब्द बन रहे सारे शब्द नए शब्द भी तैयार हो रहे तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा ही पैमाना फिजिक्स के लिए भी सेट किया जाए लेट डू द सेम फॉर फिजिक्स सो साइंटिस्ट थॉट दैट लेट लेटस डेवलप सम सिमिलर थिंग फॉर फिजिक्स तो साइंटिस्ट ने क्या किया एक्चुअली साइंटिस्ट ने सेवन ऐसी क्वांटिटीज सबसे पहले सिग्रिगेट किया सेवन ऐसी क्वांटिटीज को अलग किया जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी जिनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं था जिनको आप एक दूसरे में कोई सा भी मतलब कि कोई सा भी आप उनके बीच का डायरेक्ट रिलेशन इस्ट नहीं कर सकते हो या बाकी सारी क्वांटिटीज के टर्म्स में बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को नहीं लिख सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज सेवन क्वांटिटीज को अलग किया था उसमें था पहला मास दूसरा था लेंथ तीसरा था टाइम चौथा टेम्परेचर पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, देन सिक्स था ल्यूमिनस इंटेंसिटी और जो सेवन था वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो साइंटिस्ट ने इन सारी क्वांटिटीज को पहले एक दूसरे से अलग किया अब आप लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनको किसी भी तरह से आप इंटर रिलेट करके किसी भी तरह से आप चाहो तो इनको इंटर रिलेट करो पर आप मास को का मास का फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्पीड की तो स्पीड के साथ क्या है कि स्पीड को आप किन दो क्वांटिटीज को इंटर करके डिराइव कर सकते हो इसमें से लेंथ और टाइम अगर आप लेंथ बाय टाइम कर दो तो स्पीड मिल जाएगी हम लोगों को तो स्पीड जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना व्हाट इज दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वानिटीज सो वॉट आर फंडामेंटल फंडामेंटल नॉट बी डिड बाई इंटर रिलेटिंग टू और मोर अदर फंडामेंटल क्वान्टिटीज जैसे आप मास की बात करें तो मास को आप चाहो अब लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करेंट लूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे भी आपस में मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करो आप मास को मास को डिराइव नहीं कर पाओगे या मास का कोई भी फॉर्मूला इनके टर्म्स में नहीं आएगा तो ये सेवन क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी और साइंटिस्ट ने इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज नाम दिया ये ऐसे ही है जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स ए टू जेड एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है जैसे आप चाहो बी को ए से लेकर के जेड तक बी को छोड़कर ए से लेकर के जेड तक सारे लेटर्स को आप यूज कर लो और बी प्रोनाउंस करके दिखा दो तो, तो इट्स इम्पॉसिबल डी ठीक है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लेटर्स हैं क्योंकि फोनेटिक्स वाइज एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है वैसे ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है लेकिन कोई भी दूसरा शब्द जो होता है उन्हीं अल्फाबेट से मिलकर के तैयार होता है ऐसे फिजिक्स में इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ दें और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंगल एंगल एंड सॉलिड वो बाद की बात है तो इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं ठीक है फिलहाल हमारे पास मौजूद जितनी भी बाकी की क्वांटिटीज हैं वो इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक दूसरे से इंटर रिलेट करके और तैयार की जा सकती है ठीक उसी तरह जैसे कि हम लोग सेवन जैसे कि हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेंटी सिक्स में से किन्हीं पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को कनेक्ट करके एक वर्ड तैयार कर सकते हैं वैसे इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में इंटररिलेट करके हम नई क्वांटिटी बना सकते हैं और वो जो नई क्वांटिटी अब बनती है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हुई है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटी की तो सबसे पहले जैसे स्पीड ही था स्पीड इज वॉट लेंथ बाय टाइम सो लेंथ बाय टाइम इज स्पीड मोमेंटम फोर्स अब जिसकी बात करो अब देखिए इनके कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे मास को अगर मुझे लिखना है तो मास को हम लिखते हैं एम वन एल जीरो टी जीरो सिंपली उसको एम भी लिख सकते हैं लेंथ को लिखते हैं हम लोग एम जीरो एल वन टी जीरो टाइम को लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी वन टेम्परेचर को लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो पावर वन इलेक्ट्रिक करंट को लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो ए टू द पावर वन ठीक है बाकी लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे अभी ज्यादा काम नहीं आने वाले यही काम आने वाले हमारे तो अगर मैं स्पीड को लिखना चाहूं डायमेंशनली तो स्पीड के लिए लेंथ के लिए लिखूंगा मैं एम जीरो एल वन टी जीरो और टाइम के लिए लिखूंगा एम जीरो एल जीरो टी वन तो ये हो जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है दिस इज नोन एज फॉर्मूला फॉर स्पीड ये जो आपके पास लिखा हुआ है दिस इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड ठीक है तो डायमेंशनल व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होता है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज यहां पे आप देखिए स्पीड को किसके टर्म्स में लिखा हुआ है स्पीड को लिखा हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी हमारे पास तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास मास लेंथ टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो यहां पर स्पीड को लिखा हुआ है आप देख सकते हैं लेंथ और टाइम के टर्म्स में तो यही स्पीड की डायमेंशन होगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन तो वॉट इज द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी द पावर्स टू विच द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू in order to represent a physical quantity is known as the dimension of that physical quantity the powers to which a fundamental quantity must be raised इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वान्टिटीज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वान्टिटी जैसे कि स्पीड की डायमेंशन होगी एम जीरो एल वन टी माइनस वन तो एम जीरोल टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड तो किस पावर पर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज करें ताकि वो हमारे हमें क्या बताए ताकि वो डायमेंशन किस पावर पे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज कर दे ताकि वो रिप्रेजेंट करे एक्जैक्टली exactly उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को वही उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशन होती है ओके सो so, ऐसे हम हर एक क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं हम फोर्स के लिए कर सकते हैं मास के लिए कर सकते हैं मास तो खैर एम एम वन एल जीरो ही होगा ऐसा हम मोमेंटम के लिए कर सकते हैं टॉर्क के लिए कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मोमेंटम की तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी होता है तो यहाँ पे एम की जगह हम लिखेंगे एम वन एल जीरो टी जीरो और V की जगह पे हम लोग लिखेंगे m माइनस वन ये हो जाएगा m वन एल वन टी माइनस वन यहां से हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं m के लिए के जी एल के लिए मीटर एंड सेकेंड टू द पावर माइनस वन तो ऐसा हम हर एक क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं ओके सो दिस वॉज द बेसिक ये हमारे पास जो अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था यहां पे दिस वॉज द बेसिक ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ठीक है तो यहां से अब हमें अपने टॉपिक में जाना होगा और जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो पहला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टडी करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली बताता क्या है देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन से दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ठीक है ना इसके पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में फिर एरर आता है पहले पार्ट से दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओके सो नाउ वॉट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह बोलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर यह सिंबल्स आ जाए प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू ग्रेटर लेस और नॉट इक्वल टू भी तो अगर इन क्वांटिटीज से वो सेपरेशन सेपरेटेड है दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर इनमें से किसी सिंबल से है, तो उनकी डायमेंशन नेसेसरिली सेम होनी चाहिए ज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए इसमें खुद से आप कुछ मत जोड़ लीजिएगा कि हो सकता है सर गलती से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भूल गए हो तो हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी जोड़ ले नहीं टू हैविंग डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड विथ हीच अदर देन कैन बी डिवाइडेड ऑल्सो लेकिन अगर वो इन सिंबल सेपरेटेड है इफ टू क्वान्टिटीज आर सेपरेटेड बाई दीज सिंब देन इट इज वेरी नेसेसरी कि उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए आप खुद ही अपना दिमाग लगा करके देख लीजिए प्लस लगा हुआ है अब आप खुद सोचिए अगर कोई आपसे बोले कि एक लीटर दूध में एक किलोमीटर जोड़ दो तो जोड़ दोगे क्या आप लोग मान लो कोई बोले आपसे कि एक लीटर दूध में यहां से लेकर के स्टेशन तक की डिस्टेंस जोड़ दो एबसोल्यूटली आप जर्ड ये मीनिंगलेस है क्या बोल रहा है पागल हो गया क्या ये वैसे अगर अगर कोई आपसे माइनस भी करे सब्ट्रैक्ट करने के कि एक किलो दूध में से एक किलोमीटर घटा दो इम्पॉसिबल इक्वल टू बोले ये भी इम्पॉसिबल है एक लीटर दूध जो है एक किलोमीटर के बराबर है ये क्या मतलब हुआ ठीक है ना लेस देन भी नहीं बोल सकते ग्रेटर देन एक किलो दूध एक किलोमीटर से बड़ा होता है ये क्या मतलब हुआ ठीक है ना एंड नॉट इक्वल टू भी कभी कोई सेंस नहीं है जब इक्वल टू नॉट इक्वल टू किसी का भी कोई सेंस नहीं है ठीक है ना तो अगर क्वांटिटीज इन सिंबल सेपरेटेड हुई तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए सेम डायमेंशन अगर कोई बोले कि एक लीटर दूध जो है ठीक है ना वो दो लीटर दूध से छोटा है या दो लीटर दूध से कम है तो यू कैन कंपेयर मतलब कंपैरिजन के लिए या अगर ये सिंबल्स बीच में लगे हुए हैं या तो अगर कोई बोले आपको कि एक लीटर दूध में दो लीटर दूध जोड़ दो या दो लीटर पानी जोड़ दो जनरली होता है करते हैं लोग ठीक है ना तो ये काम हो सकता है लेकिन वहां पे क्वान्टिटीज सेम होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज कि आप लीटर में लीटर ही जोड़ रहे हैं लीटर में किलोमीटर नहीं जोड़ सकते हो आप ठीक है ना सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि द क्वांटिटीज विच आर सेपरेटेड बाई दीज सिंबल्स मस्ट नेसेसरली हैव सेम डायमेंशन और ये बहुत मददगार साबित होता है हमारे बहुत सारे अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को चेक करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं कि दिया हुआ x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी बाई डी प्लस टी वेर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम और हमें यह पता करना है कि वॉट आर द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी अब ए बी सी एंड डी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दिया हुआ है और हमें ये पता कर रहा है कि वॉट आर द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एन डी तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो लेट एस स्टार्ट अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो इक्वल टू से सेपरेटेड है एटी से एक्स एंड ए टी आर सेपरेटेड बाई एन इक्वल टू तो बहुत नेसेसरी है कि x और ए टी इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ x एंड ए टी मस्ट बी सेम क्योंकि वो इक्वल टू से सेपरेटेड है तो देयरफॉर फोर ए इज इक्वल टू एक्स बाई टी अब x होगा आपका लेंथ सो इट इज एम जीरो माइनस वन तो यहां से हमें पता चल गया डायमेंशन ऑफ ए वैसे अगर हमें पता करने बोले वो कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ बी तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू यहां पे क्या लिखा हुआ है सो इट इज एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर ओके सो क्योंकि यहां पे एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास सो यू कैन सी ओवर हियर कि क्योंकि एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली बी टी स्क्वायर है अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो ए टी इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर ठीक है ना डायमेंशनली डायरेक्टली नहीं डायमेंशनली दैट इज डायमेंशन ऑफ ए टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर ए टी की जो डायमेंशन है वो बी टी स्क्वायर के ही डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए क्यों क्योंकि बीच में कौन सा साइन है हमारे पास प्लस का साइन है सो so, हम लोग यहां पे क्या करेंगे ए टी इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर डायमेंशनली क्योंकि है और हमें बी के डायमेंशन चाहिए यहां पर तो ए टी अपॉन बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी a t upon t square sorry a t upon t square is the dimension of b Now, dimension k is x ke thi. so x upon t square is the dimension of b now x is what x is m 0 l 1 t 0 and divided by m 0 l 0 t square this is the dimension of b so therefore dimension of b is equal to m 0 l 1 t

क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन का सेपरेशन है तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए तो d का जो डायमेंशन होगा इट इज एम जीरो एल वन सॉरी एल जीरो d का डायमेंशन होगा अब c बाई डी प्लस टी तो c बाई डी प्लस टी में क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन t की ही है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सी बाई टी प्लस टी यानी सिंपली डायमेंशनली सी बाई टी ही लिखा हुआ है टी प्लस टी क्या हो जाएगा टी प्लस टी टू टी हो जाएगा टी प्लस टी का जो डायमेंशन होगा वो टी का ही डायमेंशन होगा यहां पे सी बाई डी प्लस टी जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो डायमेंशनली टी प्लस टी टू टी हो जाएगी टू की कोई भी डायमेंशन नहीं है और क्योंकि टू कोई नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ठीक है ना अगर वो फिजिकल कॉन्स्टेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा तो क्योंकि नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं है तो टी का

एक्स की जगह पे आप लिखोगे एम जीरो और टी की जगह पे लिखोगे एम जीरो एल जीरो टी वन तो सी हो जाएगा एम जीरो एल वन टी वन सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ सी ओके सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज बाय जस्ट यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी इनकी डायमेंशन हमें पता नहीं थी बट हम लोगों ने क्या यूज किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इनके डायमेंशन को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया ओके okay? तो दो मिनट के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए एक मिनट के लिए देखिए इस क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में इसमें पहला कंसेप्ट ये है कि एनीथिंग रेस्ट टू सर्टन पावर जैसे कोई भी आपके पास नंबर दे दिया गया टू की पावर अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी दे दी गई ठीक है ना जनरली हमारे फिजिक्स में ई e की पावर पे आते हैं तो ई e की पावर पे अगर आपको दो क्वांटिटीज गिवन है ई e की पावर ए बाई बी अगर उसने लिख दिया तो ई e की पावर अगर ए बाई बी लिखा हुआ है तो इसमें वेरी नेसेसरी डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी ओके ऐसा इसलिए क्योंकि पावर के अंदर आने वाली चीज जो होगी उसको हमेशा डायमेंशनलेस होना होगा जो मैं चीजें लिख रहा हूं या वेरी इंपॉर्टेंट है और जनरली किसी बुक में नहीं मिलती है लिखी हुई एज इट इज तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से सीखना जो अभी मैं बता रहा हूं आपको अगर e की पावर a बाई बी लिखा हुआ है हमारे पास e की पावर a बाई बी तो डायमेंशन ऑफ a को डायमेंशन ऑफ b के बराबर होना होगा क्योंकि e की पावर में कुछ भी आएगी उसको डायमेंशन लेस होना होगा दिस मस्ट बी डायमेंशन लेस वहां पर कोई भी चीज है पावर में आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कभी भी e की पावर 2 kg ंग हाँ आप ये जरूर लिख सकते हो e की पावर टू के जी ये लिख सकते हो आप क्योंकि e की पावर टू एक नंबर है और फिर के जी आपने उसमें यूनिट लगा दिया आगे तो e टू दावर टू के जी आप लिख सकते हो बट e की पावर में टू के जी आप नहीं लिख सकते हो. This is wrong. E की पावर में कोई भी चीज लिखी हुई है वो डायमेंशन लेस है ठीक है ना तो ऐसी चीजों में एक बात आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर पावर में कोई भी चीज आ रही है ठीक है ना जैसे लिखा हुआ e की पावर में कुछ भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पे होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी ए प्लस बी का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए ताकि ऊपर और नीचे ये कैंसिल आउट हो जाए ठीक है ना और ऊपर हमारे पास यहां पर डायमेंशन लेस नंबर आ जाए ठीक है तो आप यहां पे देखना कि ई e की पावर में किसी भी नंबर की पावर में अगर कुछ भी क्वांटिटीज uh, का कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशन को अल्टीमेटली रिड्यूस होना होगा डाइमेंशनलेस क्वांटिटी में ई e की पावर में अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसको अल्टीमेटली रिड्यूस होना होगा डाइमेंशनलेस क्वांटिटी के अंदर ठीक है तो ए प्लस बी बाई सी को अल्टीमेटली डाइमेंशनलेस होने के लिए ए प्लस बी की जो डायमेंशन है उसको किसके बराबर होना पड़ेगा सी के डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा तो अगर ए प्लस बी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल हुई तो ही ये जो क्वांटिटी है यह एक फिजिकल मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी अदरवाइज नहीं होगी तो ध्यान देने वाली बात इसके अंदर यह है कि अगर ऐसी कोई भी चीज आपको लिखी हुई मिल जाए E की पावर X, तो यहां पे X जो होगा वो डायमेंशन होना चाहिए ये X डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये कुछ भी आपके पावर है तो ये हमारा X जो है वो डायमेंशन होना चाहिए और e की पावर x पूरी की पूरी भी डायमेंशन होती है ठीक है तो e की पावर x में पावर तो डायमेंशन होना ही चाहिए और ये जो e की पावर x पूरी की पूरी क्वांटिटी है ये भी डाइमेंशनलेस होनी चाहिए ठीक है तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज के लिए ये तो लोग ये तो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज है सेम लॉग के लिए भी वैलिड है अगर मैं लॉग की बात करूं यहां पे अगर लिखा हुआ लॉग ए बी बाई सी ओके okay? तो लॉग के अंदर लॉग के अंदर कभी भी डायमेंशनल चीजें नहीं आ सकती है तो लॉग ए बी बाई सी में ए बी बाई सी जो है इसको होना पड़ेगा डायमेंशन और साथ साथ ये भी पूरा का पूरा भी क्या होता है ये डायमेंशन होता है ओके okay? वैसे अगर हम साइन कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो लिखा हुआ मान लो साइन ए प्लस बी अपॉन सी डी अगर मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि साइन के अंदर साइन के अंदर केवल और केवल एंगल्स आ सकते हैं और एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी साइन के अंदर केवल एंगल्स आएंगे और एंगल क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यानी कि a प्लस बी अपॉन सी डी को यहां पे क्या होना होगा डायमेंशनलेस होना होगा ए प्लस बी मस्ट बी डायमेंशनलेस ऑल्सो ये पूरी की पूरी साइन भी क्या होती है डायमेंशनलेस होती है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है सपोज आपको ऐसे देगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ठीक है आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा से दैट दिशा क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा प्लस फाइव और इसमें आपको बोलेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a? तो यहां पे अभी हम लोगों ने सीखा क्योंकि साइन पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होती है ओके okay, तो क्योंकि साइन पूरी की पूरी डायमेंशन लेस है तो ये जो ए की डायमेंशन है उसको किसके डायमेंशन के बराबर होना पड़ेगा एक्स के क्योंकि ये ऐसे लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए इन टू और ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस है तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए इन टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखा है तो एक्स इज इक्वल टू ए और क्वेश्चन है आपको कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो देआर फोर ए की डायमेंशन जो है वो एक्स के डायमेंशन के बराबर होगी इट इज एम जीरो एल वन टी जीरो ठीक है वैसी नेक्स्ट चीज जो वो आपसे पूछ सकता है यहां पे, वो आपसे ये पूछ सकता है कि वॉट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा ठीक है ना तो वॉट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा ओमेगा तो आपको एक बात पता है कि t phi को भी क्या होना होगा डायमेंशन होना होगा एम जीरोल जीरो क्यों ओमेगा टी प्लस फाइव को डायमेंशन होना होगा क्योंकि वो साइन के अंदर है और क्योंकि वो साइन के अंदर है तो ओमेगा टी प्लस फाइव मस्ट बी एम जीरो तो इसका मतलब यह है हमारे पास और एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ओमेगा टी और फाइव जो है ये दोनों प्लस से सेपरेटेड है तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए तो इन दोनों की डायमेंशन अब अलग अलग नहीं हो सकती है ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन फाइव की होनी चाहिए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो जो ओमेगा टी की डायमेंशन है वही फाइव की डायमेंशन है और दोनों की डायमेंशन फिर इंडिविजुअली भी क्या होनी चाहिए एम जीरो एल जीरो देयर फोर ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो तो ओमेगा टी जो है वो एम जीरो एल जीरोगा मस्ट बी इक्वल टू एम जीरो पावर माइनस वन दिस द डायमेंशन ऑफ ओमेगा ठीक है और अब अगर वो फाइव की डायमेंशन आपसे पूछे तो फाइव इज सिंपली एम जीरो एल जीरो टी जीरो ओके So, इस बात का और आप ध्यान रखिएगा दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके प्लीज टेक अ लुक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ओके okay? नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हमें एक पता है फॉर्मूला टू द पावर वन बाई टू ओके मुझे पता है कि ये फॉर्मूला फिलहाल गलत लिखा हुआ है डायमेंशनली भी आप चेक करोगे तो फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट ने इस फॉर्मूले को लिखा और भूल गया उसको ये तो याद था कि इसमें c भी आती है इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बट c को कहां पुट करें ये बात वो भूल गया ठीक है ना तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी उसको रेस्क्यू करेगी कि c को कहां पे पुट करना है ओके okay? तो आपको एक बात पता है कि इक्वल टू के इस साइड पे m है तो इक्वल टू के उस साइड पे भी m होना चाहिए ठीक है ना मतलब इधर अगर मास है तो उधर भी मास होना चाहिए बट फिलहाल यहां मास नहीं आ रहा है ठीक है ना इक्वल टू के इस साइड पे मास नहीं है इट इज मास अपॉन वेलोसिटी लिखा हुआ है और वेलोसिटी टू सम पावर लिखा हुआ है और इधर मास लिखा हुआ है अब वो क्या करेगा स्टूडेंट जो है इट इज एम नॉट अपॉन वन प्लस लेकिन गड़बड़ी उसको यहां दिख रही, क्योंकि के साथ जुड़ रही है तो वन के साथ स्क्वायर कभी नहीं जुड़ सकती क्योंकि वन अगर डायमेंशन लेस है तो उसके साथ जुड़ने वाली चीज भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए तो उसके साथ जुड़ने वाली चीज क्योंकि डायमेंशन लेस होनी चाहिए तो v तो वेलोसिटी है और उसको एक बात और पता था कि c आनी चाहिए कहीं इक्वेशन में ठीक है और c भी स्पीड ऑफ लाइट है यानी वेलोसिटी है वो तो अगर v स्क्वायर को मैं c स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये डायमेंशनलेस हो जाता है और अब ये वन के साथ जुड़ सकता है टू द पावर वन बाई टू अब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई इक्वल टू के इधर भी मास है और इक्वल टू के उधर भी मास आ गया क्योंकि नीचे वाली चीज तो पूरी कांस्टेंट ही है उस डायमेंशन लेस क्योंकि वन प्लस और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी डायमेंशन लेस हो गया तो वन प्लस एंड दिस इज सम नंबर ना टू दावर वन बाई टू तो इक्वल टू के इधर भी मास है और इक्वल टू के उधर भी मास है तो स्टूडेंट भूल गया था उसको फॉर्मुला याद था एम इक्वल टू एम नॉट अपन वन प्लस वी स्क्वायर की पावर वन बाई टू बट उसको याद था सी स्क्वायर होती है बट भूल गया वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होता है वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने मदद किया उसको क्योंकि वन के साथ केवल और केवल डायमेंशनलेस चीजें ही जुड़ेंगी क्योंकि वन डायमेंशनलेस है तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा वहां पर उसको ओके ठीक है ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए ठीक है ना तो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं आ, ये घर से आप कर करके ले आइएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा इस इक्वेशन को p प्लस ए बाईर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी ठीक है सपोज ये इक्वेशन है हमारे पास इस इक्वेशन में हमें a और b की डायमेंशन को डिराइव करना है तो इसको आप ट्राई कीजिएगा बहुत ही इजी है यहां p प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है v जो है वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है और आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है पता ही है आप लोग को टी इज टेम्परेचर ओके सो इस चीज में इस इक्वेशन को मैं आपको ए और बी हालांकि उधर उतनी सारे सिंबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज करके और ए और बी के डायमेंशन हम इजीली डिराइव कर सकते हैं ओके सो दिस इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी हेल्पिस तो दिस वाज द फर्स्ट हेडिंग जिसपे बेस्ड होकर के क्वेश्चन आ सकते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग है जिस पे बेस्ड होकर के क्वेश्चन आते हैं इट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस ओके डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस तो डायमेंशनल एनालिसिस करके हम लोग फार्मूले को कैसे डिराइव करें ओके okay? देखो फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कोई भी क्वांटिटी है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है हम फिर भी उसके फार्मूले को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करें ठीक है ना इसमें करना क्या होता है कि जो भी क्वांटिटीज हमें पता है जो भी फिजिकल क्वांटिटीज उनको उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में आप लिख दो ठीक है फिर इक्वल टू के दोनों साइड पार लगा करके आप इक्वेट कर लो आपका आंसर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलू यहां पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ठीक है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओके इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सपोज आई एम राइटिंग दिस एज म्यू ओके सो इट इज प्रोपोर्शनल टू एल बट क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि कैसे प्रोपोर्शनल है इट इज जस्ट टेलिंग कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एल अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एल की पावर वन लिखना पड़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एल की पावर माइनस वन हो सकता है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो सकता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा हूं हमें कोई आइडिया नहीं है तो हम लिखेंगे इज इज प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू टू की पावर क्वेश्चन आपको ये भी बोल रहा है कि द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हमें म्यू बोल रहा हूं बट फिर हमें पता नहीं कि कैसे प्रोपोर्शनल है तो म्यू की पावर बी लिखूंगा ओके okay? अब म्यू जो होता है वो होता है मास बाय लेंथ मास पर यूनिट लेंथ लिख रहा हूं तो मास बाय लेंथ टू द पावर बी ओके अब थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इट प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन स्ट्रिंग ओके सो टेंशन को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये फोर्स है तो टी की पावर सी लिख रहा हूं अब ये फोर्स जो होता है इट इज इसको आप कैसे लिख सकते थे इसको लिख सकते थे एम की पावर बी एंड एल टू दावर माइनस बी क्योंकि ऊपर जाता इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे एल टू द पावर ए और इसको लिख सकते हो आप एफ इज प्रोपोर्शनल टू टी अब T क्या है हमारा tension force है हमारा टेंशन फोर्स टाइम नहीं है तो टेंशन फोर्स फोर्स को क्या लिखोगे force होता है एम वन देखिये फोर्स अभी मैंने आपको बताया नहीं था फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इट इज एज सिंपल एज दिस तो ये आपको पता भी होगा मास इंटू एक्सेलरेशन में आप डायरेक्टली मास और इंटू एक्सेलरेशन जो है एल वन टी माइनस टू होती है सो so, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर सी तो एम वन एल वन टी माइनस टू टू पावर सी तो आप इसको लिखोगे एम टू पावर सी एल टू पावर सी एंड टी टू पावर माइनस टू सी तो यहां पे बेसिकली आप इन तीनों को कंबाइन करके जब लिखोगे तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एल टू दावर एम टू दावर बी एल टू द पावर माइनस बी एम टू दावर सी एल टू पावर सी एंड टी टू दावर माइनस टू सी ठीक है एफ इज प्रपोर्शनल टू दिस एफ जो होती है हमारी खुद फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी पावर माइनस वन टाइम ठीक है ना तो टाइम टी टू पावर माइनस वन इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट और इक्वल टू लिख लो आप इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट इनटू और फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे एल टू पावर ए एम टू पावर बी ठीक है ना और या फिर पावर आप एड कर लो तो एल टू पावर ए माइनस बी प्लस सी क्योंकि यहां पे ए है यहां बी है यहां सी है सेम बेस पे पावर सैड हो जाती है साइंस के साथ तो ए माइनस बी प्लस सी ठीक है एम एम की पावर आप क्या लिखोगे तो एम की पावर यहां बी है और यहां सी है तो एम टू पावर बी प्लस सी और अगर आप टी की बात करोगे तो टी की पावर यहां पे माइनस टू सी है ओके ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा तो यहां से आप लोग डायरेक्टली क्या देख सकते हो कि उस साइड पे टी की पावर माइनस वन है अगर और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इक्वल टू तो के दोनों साइड्स डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो जो डायमेंशन उधर है वही डायमेंशन इधर होना चाहिए तो उस साइड पे लिखा हुआ है एल टू द पावर जीरो क्योंकि उधर कोई एल है ही नहीं एम टू द पावर जीरो क्योंकि उधर कोई एम है ही नहीं एंड टी की पावर माइनस वन इक्वल टू सम समाइमेंशन इधर लिखा हुआ है एल टू दावर ए माइनस बी प्लस सी एम टू दावर बी प्लस सी एंड टी टू दावर माइनस टू सी ओके सो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे क्योंकि दोनों साइड जो हमारी पावर से हैं वो सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो देयरफोर जो पहला इक्वेशन है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर वन सेकेंड इक्वेशन है बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो दिस आर इक्वेशन नंबर टू और जो थर्ड इक्वेशन है माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू या माइनस टू सी मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन दिस इक्वेशन नंबर थ्री सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है सी इज इक्वल टू वन बाई टू अब सी इक्वल टू वन बाई टू है अगर इसको हम टू में पुट करें तो फ्रॉम टू हमें यह पता चल जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू बी प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो उधर ले जाओ तो बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू अब अगर आप उसको वन में डालो तो फ्रॉम वन तो वन में अगर आप प्लेस करोगे तो ए माइनस बी बी की जगह पे माइनस वन बाई टू लिखोगे प्लस सी और सी की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग प्लस वन बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू जीरो तो दिस इज ए प्लस वन इक्वल टू जीरो यानी ए इक्वल टू माइनस वन तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर आ रहा है इट इज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम के इन टू एल टू द पावर माइनस वन क्योंकि एल की पावर जो थी एल की पावर क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि ए लिया था हम लोगों ने और ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन आई है तो एल टू द पावर माइनस वन उसके बाद फिर अगर हम यहां पे चेक करें आ, मास के ऊपर तो मास के ऊपर मास आ, क्योंकि उधर की और म्यू की पावर हम लोगों ने बी लिया हुआ था तो एल की पावर हम माइनस वन लेंगे म्यू और बी की वैल्यू माइनस वन बाई टू आई है तो म्यू टू द पावर माइनस वन बाई टू और क्योंकि टेंशन फोर्स है वो टाइम नहीं है टेंशन फोर्स टू तो द पावर सी था तो टेंशन फोर्स टू तो द पावर सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे वन बाई टू यानी कि एफ इज इक्वल टू के बाई एल अंडर रूट ऑफ टी बायू वेयर के इज अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और दिस इज द इनफैक्ट फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग शनल एनालिसिस आगे अपने कोर्स में हम लोग देखेंगे इस चीज को बाई एल में K जो होती है वो वन बाई टू होती है तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग के अंदर वन बाई टूवेल्व अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है फ्रीक्वेंसी वन बाई टूवेल्व अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू बट वो हम अपने कोर्स में भी आगे देखेंगे जब वेव चैप्टर पढ़ेंगे तो बट बिना कोई आइडिया हुए कि फ्रीक्वेंसी की लेंथ और टाइम लेंथ और टेंशन के साथ और मास लेंथ के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया एफ इक्वल टू के बाई एल अंडर तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूं इसमें करना क्या होता है कि जिस क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज के बीच में भी रिलेशन पूछे वो ठीक है उसमें से जिस क्वांटिटी को लिखने बोले उसको एक साइड पे लिख लीजिए और बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरे साइड पे लिख लीजिए लेकिन सबको ओपन कर लीजिए उनके फंडामेंटल टर्म्स में जैसे कि यहां पे फ्रीक्वेंसी को मैंने ओपन किया था तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको पूरा ओपन करके लिखना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी इज एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन ओके तो और यहां पे लेंथ को एल की पावर ए लिख सकते हो आप लोग मास पर यूनिट लेंथ को एम की पावर बी एल की पावर माइनस बी लिख सकते हो आप लोग ठीक है ना तो ऐसे ओपन करके लिख लो दोनों साइड सेम क्वांटिटीज की पावर्स को इक्वेट कर दो आपका आंसर आ जाता है so analysis, okay? तो दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला बाय डायमेंशनल इसको देखिए आप लोग क्वेश्चन को एक मिनट देखिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले बाय डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं वो लिमिटेशंस मैं आपको पहले बताता हूं और नीट काका ऐप का पे ये वीडियोस आपको पूरे नीट काका ऐप का पे मिलेंगे डिटेल्ड वीडियोस आज हमारा पहला लेक्चर था तो हम लोगों ने थोड़े से जो कंटेंट्स थे उसको बहुत सिंपल रखे ऐसे सिंपल कंटेंट्स ही रखेंगे हम लोग लेकिन यूजफुल कंटेंट रखेंगे जिससे आप बहुत ईजिली क्वालिफाई कर जाओ ठीक है यूनिट्स डायमेंशन के डेरीवेशन ऑफ फार्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस और इसके जो क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर आज आपका जो होमवर्क है आप नीट काका ऐप का पे जाइए इस वीडियो के साथ एक प्रैक्टिस शीट मिली हुई है आपको उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स को आप अप कीजिए ओके सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको और क्लैरिटी महसूस होगी और हमारी लड़ाई जो है नीट में वन आउट ऑफ वन की है आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा नीट के अंदर अगर आप सिंसियरली नीट काका ऐप का पे

टेंशन था और मास पर था। लेकिन अगर तीन से ज्यादा आ जाए तो जनरली एक एक तो 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 खुद से दोनों साइड ऑप्शन को कंपेयर कर लेना और ऑप्शन की डायमेंशन मैच करा लेना ठीक है और इस मेथड से उसको एग्जैक्टली exactly सॉल्व करने की कोशिश मत करना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास चार ऑप्शन होते एक ऐसा ऑप्शन होता दूसरा ऑप्शन आपका ऐसा भी होता है एफ इज इक्वल टू एल बाई के या के एल अंडर रूट ऑफ म्यू बाई टी ऐसे दो और ऑप्शन होते हैं तो इसके इसको अगर आप इसके डायमेंशन देखोगे तो फ्रिक्वेंसी के बराबर आएगा ही नहीं फ्रीक्वेंसी के बराबर इसी की डायमेंशन आएगी तो वहां पे आप ऑप्शंस मैच करा करके करने की कोशिश करना तीन से ज्यादा वेरिएबल अगर उस साइड पे हो जाए राइट हैंड साइड पे तो ठीक है दूसरा जो इसका लिमिटेशन होता है वो ये है कि अगर कोई फॉर्मूला प्लस माइनस इस फॉर्म में आ जाए तो इससे हम डिराइव नहीं कर सकते जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाओगे डायमेंशनल एनालिसिस से केवल उन्हीं क्वांटिटीज को आप डिराइव कर पाओगे जिन क्वांटिटीज में केवल मल्टीप्लीकेशन डिविजन या पावर्स में रिलेशन है अगर बीच में प्लस माइनस एंट्री ले रही है तो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं ठीक है अच्छा डायमेंशनल एनालिसिस का एक और लिमिटेशन है कि कई बार हम क्या करते हैं हम ये सोच लेते हैं कि फॉर्मूला अगर डायमेंशनली सही है तो एक्चुअली भी वो सही होगा पर ऐसा नहीं होता है फार्मूला अगर डायमेंशनली गलत है तो ये तो श्योरिटी है कि फॉर्मूला गलत है पर फॉर्मूला डायमेंशनली सही होने का मतलब ये नहीं होता है कि फार्मूला डायमेंशनली सही हो जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूँ तो टू पाई अंडर रूट ऑफ उल बाई जी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ठीक है बट अगर मैं इसको लिख दू फोर पाई अंडर रूट एल बाई जी तो ये दोनों ही फॉर्मूला डायमेंशनली सही है बट एक्चुअली सही फॉर्मूला केवल टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ही है ना कि टी इज इक्वल टू टू टी इज इक्वल टू फोर पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ओके खैर इसके बारे में और विस्तृत चर्चा कर हम जब एरर एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो उससे पहले जब आपके इस डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और इसके ऊपर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले बाय डायमेंशनल एनालिसिस पे आए हुए नीट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उस वक्त और ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी और उसके बाद यूनिट डायमेंशन के पहले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके नीट में आए आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे ठीक है सो दूसरा पार्ट जो हमारा जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंसाइज करके इसके ऊपर एक बार थरो मतलब कि थ्रू आउट एक रैपिड रिविजन करके और नेक्स्ट क्लास में जब एंट्री लेंगे तो इट विल बी अबाउट एरर्स ओके सो इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो भी आप लोगों ने पढ़ा है इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा ठीक है आपके वही नीट का ऐप का पे इस वीडियो के साथ अटैच्ड होगी प्रैक्टिस शीट उस प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व करना आप लोग ओके थैंक यू